अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देनी है कराची वालों को, क्योंकि कराची में जो है मौसम आप लोग देख रहे हैं, और जिसका मैं आप लोगों को पिछले 2-3 दिन से गाइड कर रहा था कि कराची में जो है टेम्परेचर राइज होंगे और ओवरऑल जो सिंध में भी टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो ये टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली जो है मज़ीद बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो है स्पेशली इंटीरियर सिंध में जो है नवाबशाह के ऊपर ख़ास तौर पर जो है ज़्यादा टेम्परेचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 40 डिग्री तक जा सकता है। और इसका रीज़न जो है मैंने आप लोगों को बताया था, एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि अब ओमान की तरफ थी, अब वो सेंटर ऑफ अरेबियन सी के ऊपर है, जिसकी वजह से जो मॉन जो सी ब्रीज है वो कट ऑफ है, और सी ब्रीज कट ऑफ होने की वजह से जो हवाएं हैं वो बलूचिस्तान के रास्ते कराची में दाखिल हो रही हैं, जिसकी वजह से जो है आप लोगों को जो है इरीटेशन का बाइस बन रही है, ख़ास तौर पर आई इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों को छोटी सी अवेयरनेस ये देनी है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी को आई इन्फेक्शन है और आप उससे अगर हाथ भी मिला लेते हैं, तो आपने अपनी आंखों को वो अपना हाथ जो है टच नहीं करना, तो बेहतर ये है कि आप हाथ को अच्छी तरीके से वॉश कर लें, और इससे करने से जो है, इस तरीके से करने से जो है आप जो है बहुत ज़्यादा सेफ जोन में आ जाएंगे। तो ये छोटी सी एक प्रिकॉशंस थी जो कि हम लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते और हम जो है आंखों को बार बार रगड़ रहे होते हैं, तो बेहतर ये है कि आप लोग टिश्यू से जो है आई को साफ कर लिया करें, ना कि कपड़ा, कपड़े में भी जो होता है बाज़ वक़्त जो होता है वो कंटामिनेशन होती है, क्योंकि हम लोग जो होते हैं कपड़ा को साफ नहीं कर रहे होते, उस रुमाल को, तो टिश्यू को होता है डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि फेंक देते हैं। तो ये छोटा सी एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर की जाए बात, कि आप लोग जो है इस तरीके से जो है ना बच सकते हैं आई इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं आप लोगों को बताया जा रहा हूँ कि कोई खातिर खा मैसिव चेंजेस आएगी नहीं, और गर्मी जो इसी तरह ग्रेजुअली रहेगी, क्योंकि जो है गर्मी तो स्टार्ट हो गई है और इस साल मैंने आप लोगों को कहा है कि गर्मी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो मौसम से रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।